नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अली सिन्हा की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का पहला अध्याय, मोहम्मद कौन था। उसका अगला शीर्षक, फूट डालो और राज करो। तो चलिए शुरू करते हैं। अली सिन्हा कहते हैं, जो उसे छोड़ेगा उसे अल्लाह सजा देगा। जैसी उन्मादी धमकियां देने के बावजूद मोहम्मद को अपने अनुयायियों की आजीविका का कोई स्रोत नहीं था। इस समस्या से निपटने के लिए उसने अपने अनुयायियों को मक्का के कारवां को लूटने के लिए कहा। उसने अपने अनुयायियों को भड़काया कि मक्का वासियों ने उन्हें घर से भगाया है, इसलिए उनको लूटना जायज है। अल्लाह ने ईमान वालों को उनसे यानी काफिरों से लड़ने यानी कि जिहाद की इजाज़त दी है, क्योंकि उन पर युद्ध फर्ज किया गया है। वे सताए गए थे और निश्चित ही अल्लाह उन लोगों की मदद करेगा। उन्हें बिना किसी न्याय संगत वजह के अपने घरों से भगा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा, अल्लाह हमारा परवरदिगार है। कुरान की सूरा नंबर 23 आयत 39 और 40-39 नंबर। इस बीच मोहम्मद ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से लड़ने के लिए आने वाली कई आयतें दी। ऐ रसूल, मुसलमानों को जिहाद के वास्ते तैयार करो, घबराओ मत। अल्लाह तुमसे वादा करता है कि यदि तुम्हारे साथ 20 भी ऐसे होंगे जिनमें धीरज और जुनून है, तो ये 20 200 को मिटा देंगे। यदि तुम्हारी तादाद 100 होगी तो तुम 1000 काफिरों को मिटाने में कामयाब होगे। इन मोमिनों को जिहाद के लिए समझाओ, क्योंकि इनके पास समझ नहीं है। कुरान की सूरा नंबर 8 आयत 65। मोहम्मद ने गैर मुस्लिमों पर हमले को उसी तरह का जायज ठहराया जिस तरह आज उसके अनुयायी विक्टिम कार्ड खेलकर हत्या, विस्फोट व आतंकी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। उसने दावा किया कि गैर मुस्लिम मुसलमानों को सता रहे हैं और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, जबकि हकीकत यह थी कि जैसे ही मोहम्मद के अनुयायियों की संख्या ठीक हो गई और उसके आदमी उसके लिए हथियार उठाने को तैयार हो गए, उसने मक्का के कारवां पर हमला करके और कारवां के लोगों की हत्या करके दुश्मनी शुरू की। मोहम्मद के दावे में विरोधाभास स्पष्ट है। एक आयत में मोहम्मद अपने अनुयायियों से मदीना कूच करने का आह्वान करता है और साथ ही मदीना नहीं जाने का इरादा रखने वाले अपने अनुयायियों को हत्या व जहन्नम का धमकी भी देता है। वहीं दूसरी आयत में मोहम्मद झूठा दावा करता है कि मुसलमानों को न्याय संगत वजह के बिना मक्का से निकाला गया और उनकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि वे जिन पर युद्ध थोपा गया, मुसलमान भी आज यही करते हैं। मुसलमान अपने बीच रहने वाले गैर मुस्लिमों को सताते हैं, डराते हैं और अल्पसंख्यकों का सुनियोजित सफाया करते हैं, और फिर भी वे खुद को पीड़ित के रूप में पेश करते हुए ऐसा दिखाते हैं कि मानो बाकी सब उन पर अत्याचार कर रहे हैं। पीड़ित होने की इसी दाव के सहारे वे गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करने को उचित ठहराते हैं। अरबी कहावत है, दराबनी बाब का सबाकनी वास्तका, मतलब आगे चले तो धूल उड़ावे, पीछे चले तो ठोकर मारे। यह कहावत मोहम्मद की कार्य शैली को बखूबी बयान करती है। मोहम्मद के अनुयायी वही गंदा खेल आज भी खेल रहे हैं। इस रणनीति ने मोहम्मद को बहुत कामयाबी दी। मोहम्मद ने भाई को भाई से, बेटे को बाप से लड़वा दिया और कबीलों के बीच में पारस्परिक सद्भावना को छिन्न भिन्न करवा कर सामाजिक ताना पाना बिगाड़ दिया। इस युक्ति का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद पूरे अरब को अपने प्रभुत्व में ले आया। यह मत सोचिए कि अरबी प्रजाति में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए वह मोहम्मद के प्रभुत्व को स्वीकार करने में मुखता कर बैठे। पश्चिमी देशों के इस्लाम कबूल करने वाले लोग भी अपने लोगों और अपने देश के प्रति उतने ही बड़े शत्रु बन बैठते हैं, जैसा कि अरबों ने 1400 साल पहले किया था। जॉन वॉकर लिंड ने इस्लाम कबूल किया और अलकायदा की ओर से अपने ही देश अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान चला गया। जोसेफ कोहेन एक रूढ़िवादी यहूदी था और उसने इस्लाम स्वीकार किया। आज वह कहता है कि इजरायलियों की हत्या करना, यहाँ तक कि अपने यहूदी बच्चों का कत्ल करना जायज है। बीबीसी की पत्रकार युवान रिडले 2001 में अफगानिस्तान गई थी, जहाँ उसे तालिबान ने पकड़ लिया था। जब वह मुक्त हुई तो इस्लाम कबूल कर चुकी थी और आज वो अपने ही देश ब्रिटेन में इतना नफरत करती है
दोबारा पढ़ता हूँ। बीबीसी की पत्रकार योवान रिडले 2001 में अफगानिस्तान गई थी, जहाँ उसे तालिबान ने पकड़ लिया था। जब वहाँ से वह मुक्त हुई तो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, और आज वो अपने ही देश ब्रिटेन से इतना नफरत करती हैं कि उसे अमेरिका और इसराइल के बाद सर्वाधिक घृणित देश बताती हैं। वह आत्मघाती हमलों का समर्थन करती हैं और इसे शहादत के कार्य बताती हैं। वह कुख्यात आतंकवादी अबू मुसब अल जरकावी को हीरो कहती हैं। अबू मुसब अल जरकावी वही शैतान है जिसने इराक में अभियान चलाकर हजारों लोगों का कत्ल कर दिया था। जॉर्डन के शादी समारोह में बम धमाका कराकर 60 लोगों की जान ले ली थी और 115 लोगों को अपंग करने वाली आतंकवादी वारदात का मास्टरमाइंड था। यह महिला रिडले कहती हैं कि रूस के मॉस्को में थिएटर बंधक कांड और वेस्लान स्कूल सामूहिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड चेचन्या का आतंकवादी नेता शमिल बैशेव एक शहीद है और उसे जन्नत नसीब होगी। नफरत के इस कारोबार से अरबियों और आज खुद को मुसलमान कहने वाले लोगों को अब कामयाबी मिली है, और यह दूसरों के लिए भी कारगर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे मोहम्मद के द्वारा जन्नती इनाम का वादा के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।